सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आ गया हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और खास वीडियो लेके। और गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्टेटस वाले वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। यहां पे आप यूट्यूब पे देखते होंगे स्टेटस, टिकटॉक पे देखते होंगे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है वहाँ पर, तो आप देखते होंगे स्टेटस वीडियो। तो वो स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो आप भी जानना चाहते हैं कि स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, फुल जानकारी देने वाला हूं, फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है AVB प्लेयर, और इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को यहां पे जब आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा यहाँ पे आप लोगों को, और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये हैं पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोगों को सभी पॉइंट को यहाँ पे डिलीट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी को आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और आप लोगों को सभी को रिमूव कर देना होगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका इंटरफेस इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जब यहाँ पे आप सभी लेयर को डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, ऑडियो प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ऑडियो प्रोवाइडर को ले लेना होगा यहाँ से। इसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर जो है कट कर देना होगा इसको, और कट करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इमेज लेना होगा। इमेज लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वार लेना होगा। वार लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर मैं यहाँ पर लेंगा पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स ले लूँगा। अब यहाँ मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहां इमेज पे क्लिक करना होगा और यहां पे देख सकते हैं इमेज यहां पे क्लिक करना होगा। कस्टम इमेज पे आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे पिक इमेज पे यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर पे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो भी फोटो मतलब जिस पे भी स्टूडेंट्स वीडियो बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये फोटो इस तरीके से मेरा लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप लोगों को बैक करना होगा। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वार्स जी, ये जो वार्स है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वार्स वाला इफेक्ट आ रहा है, तो ये वार्स वाला यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के नीचे वार्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कर देना होगा आप लोगों को। और क्लिक करने के बाद सेव पैथ सर्कल, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट को ही हॉर्जी को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये मतलब हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम, तो इसको आप लोगों को क्या करना होगा देख सकते हैं स्केल हाइट, तो ये आप लोगों को अपनी स्केल की हाइट वगैरह आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इस्टे हाइट वगैरह जो आप सेट करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कलर आता है, तो यहाँ से आप जो है इसके कलर है वो यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे कलर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जैसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो इस तरीके से इफेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूँगा, वाइट ही रखूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद पार्टिकल्स एक और लूँगा मैं यहाँ पे। पार्टिकल्स लेने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे काउंट लिमिट, दोस्तों यहाँ पे अपीयरेंस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और कस्टम इमेज पे आप लोगों को क्लिक करना होगा पिक। दोस्तों यहाँ से आप इस तरीके से ये ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले इफेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं, देख सकते हैं बहुत कमाल के ये वाले इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये इस तरीके के इफेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी PNG मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर पे मैं जाऊँगा और इरेजर पे मैंने एक PNG इरेज की है तो हार्ड वाली, तो उस PNG को मैं यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है इस तरीके से। और ये देख सकते हैं इस तरीके से ये मतलब हमारी आ जाएगी, ये देख सकते हैं छोटे छोटे हार्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे साइड में इधर साइड में देखेंगे तो आप लोगों को कस्टम इमेज पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल स्केल, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसकी पार्टिकल स्केल आप बढ़ा सकते हैं, इसके देख सकते हैं ये जो हार्ड है वो और भी बड़े बड़े हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में यहाँ पे कलर टू, यहाँ पे कलर इसको आप जो चेंज कर सकते हैं जैसा भी कलर रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन रख लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे स्टार्ट साइज, वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिट साइज, एंड साइज और एंड साइज रैंडम, वो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आऊँगा, ओवरली में जाऊँगा और यहाँ पे काउंट लिमिट, यहाँ पे काउंट लिमिट में थोड़ा सा कम करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं काउंट लिमिट में रखूँगा इतनी, तो ये देख सकते हैं इतनी मैं काउंट लिमिट यहाँ पे रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे काउंट 19 कर ली है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से 19 कर लेनी होगी, जितनी आप करना चाहते हैं, जितना आप लोगों को अच्छा लगता है उतना आप यहाँ पे कर लीजिए। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा आप लोगों को, प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और यहाँ से आप लोग जो है टेक्स्ट ले सकते हैं और इन टेक्स्ट को आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो विजुअली रखना होगा यहाँ पे आप लोगों को, और पोजीशन इसकी जो आप इस तरीके से पोजीशन आप यहाँ पे इधर उधर आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे लेके जाऊँगा, इसकी पोजीशन मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सॉरी नीचे लेके जाऊँगा, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं या ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे ऊपर रख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में आप लोगों को जो है इधर साइड में आएंगे तो इधर साइड में आप लोगों को और भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं जो अपीयरेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका जो कलर है वो आप लोग जैसा कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसा यहाँ पे आप कलर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे टाइप फेस, यहाँ पे फेस, यहाँ पे आप जो भी मतलब फिर जिस में आप लोगों को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को जो भी लिखना है यहाँ पे वो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, आप लोगों को जो भी लिखना है यहाँ पे वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसको मैंने डन किया यहाँ पे, और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से आप लोग फॉन्ट साइज इसका जो बड़ा घटा सकते हैं, इस तरीके से अब मैं फॉन्ट इसका बढ़ा सकता हूँ और इस तरीके से इसका घटा सकता हूँ। और यहाँ पे कलर मिलते हैं आप लोगों को, टाइप फेस मिलते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इसका जो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है इस तरीके से, और इसको मैं डन करूँगा यहाँ पे और डन। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर साइड में लिख जाएगा, और इसका जो आपको साइज है वो बड़ा छोटा यहाँ पे करना है तो वो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसका साइज जो है आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के बाद और थोड़ा बढ़ाऊँगा यहाँ पे, बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इसे एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस वीडियो बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा इसका ट्यूटोरियल है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कि जो स्टेटस वाले ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो इसी ए बी पी लेयर जो एप्लीकेशन से हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, कंपेरिजन, टेक्स्ट, बार्स, पार्टिकल्स, इमेज, ऑडियो प्रोवाइडर, ब्लर इफेक्ट, तो ये मतलब आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं, उन्हें आप जो फंक्शन मिलते हैं उन्हें आप यूज करके आप एक स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को जो है गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों का स्टेटस वीडियो रेडी हो जाता है तो इसको आपको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए एरो वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को चूज़ परसेंटेज, यहाँ पे आप लोगों को 1018 वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेशियो वगैरह आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा और इस आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा और ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 100% हो जाएगी ये वीडियो तो हमारी ये गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी इसमें जो है बेसिक जानकारी दे दी आप लोगों को, और यहाँ पे अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसा क्या होता है, किस तरीके से फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक जानकारी दे दी है आप लोगों को कि इस एप्लीकेशन से जो स्टेटस वाली वीडियो होती हैं वो बनाई जाती हैं। अगर आप लोगों की कमेंट आएंगी और मैसेज आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊँगा, और वो ट्यूटोरियल लगभग 3-4 पार्ट में होगा, और मैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ए वी प्लेयर का जो स्टेटस बनाने का लेके आऊँगा अगर आप लोगों की कमेंट आएंगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि जो है स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को स्टेटस वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, और आप लोगों का रिप्लाई ना दे पाऊँ मैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आप लोगों को 100% रिप्लाई दे दूंगा और आप लोगों की पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करूंगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो से लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।